मीन्स कौन या जो वो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है तब उसका मतलब होता है कौन और अगर ये सेंटेंस के बीच में आता है तो उसका अर्थ होता है जो हु मतलब किसे या जिसे व्हाट मतलब क्या या जो वेर का अर्थ होता है कहाँ या जहाँ वेन मतलब कब या जब हाउ मीन्स कैसे या किस तरह हाउ मैनी का अर्थ होता है कितना या कितनी और ये काउंटेबल नाउन के लिए यानी ऐसी चीज़ जिसे गिना जा सके उसमें लगाते हैं कितना या कितनी के लिए हाउ मैनी हाउ मच मतलब इसका अर्थ भी होता है कितना या कितनी और ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है जैसे पानी दूध विच मतलब कौन सा विच बुक का अर्थ होता है कौन सी किताब विच पेन मतलब कौन सा पेन अबाउट इसका अर्थ होता है लगभग या बारे में वॉट अबाउट किस बारे में ऑलमोस्ट मतलब करीब करीब या लगभग मोस्ट का अर्थ होता है सबसे अधिक मोस्टली का मतलब अधिकतर या ज्यादातर मैनी मतलब बहुत या अनेक। मच का अर्थ होता है अधिक या ज़्यादा मच बेटर मतलब ज़्यादा बेहतर देन का अर्थ है तब या फिर देन आफ्टर उसके बाद अलॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का अर्थ होता है बहुत सा या ढेर सारा लॉट्स ऑफ मनी मतलब बहुत सारा पैसा ही मतलब वो या उसने हिस का अर्थ होता है उसका हिम मतलब उसे या उसको शी का अर्थ होता है वो या उसे और ये फ़ीमेल के लिए यूज़ किया जाता है हर मतलब उसकी या उसे ये भी फीमेल के लिए यूज़ करते हैं हर्ज मतलब उसकी या उसका फॉर एग्जांपल हमें बोलना हो ये पर्स उसका है तो हम कहेंगे दिस पर्स इज़ हर्ज नेक्स्ट है दे मतलब वे या उन्होंने या उन्हें देर मतलब उनका दैर्ज इसका अर्थ होता है उनका या उनकी फॉर एग्जांपल अगर हमें बोलना हो ये किताबें उनकी हैं तो हम कहेंगे दीज बुक्स आर देर नेक्स्ट वर्ड इज़ देम मतलब उन्हें या उनको इट मीन्स यह या वो इट्स का अर्थ होता है इसका Whose, मतलब किसका या जिसका अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में है तब इसका मतलब होगा किसका और अगर ये सेंटेंस के बीच में आया है तो इसका अर्थ होगा जिसका हुज़ बैग मतलब किसका बैग हाउ मैनी टाइम्स मतलब कितनी बार हाउ मैनी पीपल मतलब कितने लोग हाउ मच वाटर मतलब कितना पानी हाउ मच टाइम कितना समय बाय हुम का अर्थ होता है किसके द्वारा फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से फॉरवर्ट इसका अर्थ है किस लिए वाई मतलब क्यों वाई नॉट मतलब क्यों नहीं वाई सो so मतलब ऐसा क्यों